हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लास लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम देखिए क्लास टेंथ मैथ। देखिए दोस्तों, आपका ना अगला पेपर मैथ का है और वो देखिए 21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको ना अगर मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ की ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं और ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं, आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, केवल अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व के आप क्वेश्चन को बिल्कुल हिला भी नहीं सकते दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ये किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमें समीकरणों का युग्म दिया है, ठीक है दोस्तों, और हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करके सॉल्व करना है, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हैं चर हैं वो एक्स और वाई हैं, ठीक है। हमें एक्स और वाई दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें सॉल्व भी किस तरह से करना है, देखिए ये हमें ना क्वेश्चन में दिया है। हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको हमें ना रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। देखिए दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म वो होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर रैखिक समीकरण लिख देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस वाली क्वेश्चन को हमें इस वाली फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसी तरह हमें ना इसको इसकी तरह बनाना है, ठीक है दोस्तों, और हमें इसकी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इसी तरह इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, इतना हम हल लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें ना किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दोस्तों, आइए मैं इसे ना सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम देखिए समीकरण, सबसे पहले ये वाला समीकरण लेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम इसको ना इस तरह से लिखेंगे, 10 बाहर कर देंगे और अंदर लिखेंगे 1/x + y, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया है, 10 को मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए प्लस है, इसी तरह से मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है। 2 तो मैं बाहर लिख दूंगा और अंदर लिख दूंगा x - y, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद बराबर कितना है, 4, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसी तरह से हम ना दूसरी वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी वाले समीकरण को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। 15 मैंने बाहर लिखा और अंदर बचा 1/x + y, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लूँगा, ठीक है। और बाहर है 5 और अंदर बचेगा 1/x - y, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद बराबर कितना है, बराबर है 2, बराबर -2, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद, ठीक है, देखिए दोस्तों, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, x और y वाले पद को हमें ना मल्टीप्लाई में लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई संख्या है तो उसे हमें ना मल्टीप्लाई में करके लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये हमको करना है स्टेप 1 में, ठीक है दोस्तों। स्टेप 1 में हमें इस तरह से इसको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे पता है, 1/x + y की जगह हम a मान लेंगे और हम 1/x - y की जगह हम b मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, हम यहाँ पर मान रहे हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर माना लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/x + y, ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद इसकी जगह हम a मान लेंगे, ठीक है, माना a, और देखिए 1/x - y की जगह हम b मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसको ना रैखिक समीकरण युग्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह हम मान लेंगे b, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया b। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3 में हमको क्या करना है, स्टेप यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, स्टेप 3। अब देखिए स्टेप 3 में हमको क्या करना है, देखिए इसको हम ना समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम ना 1/x + y की जगह हम ना a लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अभी हम माने हैं, ठीक है।
इसी तरह हमें इसको ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लिख देंगे 10, ठीक है। और देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हम ए लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको मान हैं। अब देखिए प्लस है, प्लस लगाया, 2 है, 2 लगाएंगे। अब देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह हम ना बी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम माने हैं, ठीक है, बी लिख दिया, बराबर कितना है 4, ठीक है। और हम इसी तरह इसको लिख देंगे फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, इसकी जगह हम लिखेंगे ए, ठीक है, ए हम माने हैं। और देखिए माइनस है, माइनस लगाएंगे, और देखिए 5 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इसकी जगह हम लिख देंगे बी, क्योंकि अभी हम बी माने हैं, ठीक है। और बराबर कितना है, बराबर है 2, सॉरी माइनस के 2, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया है, देखिए दोस्तों हमने इसको ना रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया है, ठीक है दोस्तों। पहले ये देखिए ऐसा कुछ समीकरण था, ठीक है, पहले ये ऐसा था, अब हमने इसको ना रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसको ना सॉल्व करेंगे और हम ना ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम ए और बी की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आंसर सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम ना ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम ना ए को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सभी वैल्यू को दूसरी तरफ फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब हम 2b को इधर भेजेंगे प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10a बराबर 4 है, ठीक है, और माइनस के 2b, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का हो गया, बराबर के इस तरफ आके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 है a के मल्टीप्लाई में है, ठीक है दोस्तों। जब हम 10 को इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो a की फाइनली वैल्यू निकलेगी 4 माइनस के 2b डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इसको हम ना समीकरण 5 नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब हमने ए की वैल्यू ना समीकरण 3 से निकाली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ए का मान समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ये गलती नहीं करनी है, आप समीकरण 3 से ए की वैल्यू निकालोगे और वापस ही समीकरण 3 में ए की वैल्यू रख दोगे, सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 4 में हम ए की वैल्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख देंगे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए दोस्तों ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों समीकरण 4 क्या है, 15a, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हम कितनी निकाले हैं, a की वैल्यू निकाल लें 4 माइनस 2b अपॉन 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 4 माइनस 2b और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है दोस्तों। माइनस के 5b, ठीक है, बराबर कितना है, बराबर 2 है, माइनस के 2, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको भी आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको ना सॉल्व करेंगे तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और जब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 माइनस के 3 × 2 = 6b, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है 2, और माइनस के 5b, ठीक है, बराबर के -2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जिसका एलसीएम आएगा 2, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सवाल लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों, तो आप इस सवाल को बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, और आप ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ना कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका आया 2, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब हम 2 का भाग देंगे 2 में जाएगा 1 बार, ठीक है, अब 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ये वाला पता आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस के 6b, ठीक है, और देखिए माइनस है, ठीक है, माइनस लगाने के बाद 1 का भाग देंगे 2 में जाएगा 2 बार, ठीक है, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 2 = 10, ठीक है, 10b बराबर कितना है, बराबर है माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों अब हम इसको ना आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम ना 2 को इधर लेके जाएंगे, दोस्तों अब हम ना 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 में, 2 × 2 = 4, ठीक है, माइनस के 4, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस के 6b, माइनस के 10b, माइनस के 16b, ठीक है, माइनस के 16b 12, माइनस के 16b और प्लस के 12 है, ठीक है दोस्तों, और बराबर है माइनस के 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 12 को हम इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है माइनस के 16, ठीक है, माइनस के 16b बराबर माइनस के 4, और जब 12 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 12 है, ठीक है,
माइनस के 12। अब देखिए माइनस के 4 और माइनस के 12 बराबर माइनस के 16, ठीक है, माइनस के 16 हो जाएंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 16 एकम 16 यानी कि बी की वैल्यू निकल के आई है 1, ठीक है, बी की वैल्यू फाइनली 1 निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे, बी की सहायता से हम ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, बी का मान अब हम ना समीकरण 5 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण जब हम 5 में बी का मान रख देंगे तो ए की वैल्यू फाइनली निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहीं पर हम इसको ना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 4 है, ठीक है, हम 4 लिखेंगे, अब माइनस के दो गुणा 1, ठीक है, बी की वैल्यू 1 है और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइड, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो बचेगा 2, ठीक है, 2 ही रहेगा। अब देखिए माइनस का 2 है, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है, तो आगे आएगा तो आएगा 2/10, ठीक है दोस्तों। और देखिए 2 एकम 2 2 5 10 यानी कि 1/5, ठीक है दोस्तों, जो ए की वैल्यू निकली है वो निकली है 1/5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लिख देंगे ए का मान निकल के आया है, ए की वैल्यू है 1/5, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू निकाली है, ठीक है दोस्तों, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम माने थे 1/(x+y)a, ठीक है, और 1/(x-y)b, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम बी की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1/(x+y) है, ठीक है, 1/(x+y)a है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी निकली थी, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/5 निकली थी, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 1/5 लिख देंगे, सीधी सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधी डायरेक्ट हम पलट देते हैं, ठीक है। जब हम पलट देंगे तो x+y=5, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x+y=5, यहाँ पर देखिए एक समीकरण ये बन चुका है, ठीक है, और देखिए अगर हम दूसरा अगर समीकरण बनाएं, यहाँ पर देखिए 1/(x-y) है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/(x-y)b, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 निकाल लेते, 1 रख दिए, ठीक है। और क्या करेंगे, अब हम इसको भी पलट देंगे, ठीक है, जब हम इसको पलटेंगे x-y=1 ही रहेगा, ठीक है, जब हम 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x-y=1 निकला, ठीक है, एक तो हमारा समीकरण ये वाला निकला, एक तो समीकरण हमारा ये वाला निकला। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इन दोनों समीकरण को फिर से सॉल्व करना है, फिर हमें x और y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए ये सवाल ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम ना इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं ना इसको ना यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो पहला समीकरण है, यहाँ पर देखिए जो x+y, ठीक है, x+y=5, कितना है, 5, ठीक है, 5। और देखिए दूसरा है x-y, ठीक है, x-y=1 है, ठीक है दोस्तों, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर y है, ठीक है, यहाँ पर मैं y कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x 1x 2x, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है दोस्तों। एक्स की वैल्यू फाइनली लिख रही 3, ठीक है। अब देखिए हमने ना मशक्कत करके, काफ़ी मशक्कत के बाद हमें एक्स की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है दोस्तों। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है तब हमें जाकर देखिए एक्स की वैल्यू निकली है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इतना सारा रगड़ा झगड़ा करना था, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना वाई की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स का मान हम ना समीकरण इस वाले समीकरण में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देखिए यहाँ पर है x-y, तो हम एक्स की जगह 3 रख देंगे, ठीक है, 3-y=1, कितना है, 1, ठीक है, 1 रख देंगे, ठीक है। अब हम ना y को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 3, ठीक है, 1 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब हम y को इधर लेके जाएंगे प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर फाइनली निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू अब जाके निकली है, ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा था और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है और आपको ना कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।